यहाँ पर क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4/5, 8/15, 2/25। इनका एचसीएफ निकालना है, चार ऑप्शन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है 4/5, 8/15 और 2/25। सबके न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को ले लो, एक का 4 है, एक का 8 है, एक का 2 है, ठीक है। इनका एचसीएफ निकालना है आपको, सबके न्यूमरेटर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, अगर आप 4 की बात करेंगे तो 4 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4। अगर आप 8 की बात करेंगे तो वो भी 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, ठीक है। और अगर आप 2 की बात कर रहे हो तो वो खुद के टेबल में आता है, 2 1 ज़ा 2। तो तीनों में देखो 2 कॉमन है, तीनों में 2 कॉमन है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया है, 2 हो गया है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो गया है, तो न्यूमरेटर का तो हमको मिल गया ऊपर का 2। अब नीचे वाली की बात होंगी 5, 15 और 25। 5 की, 15 की, 25 की, इन तीनों की बात होंगी। लेकिन ये डिनोमिनेटर में नीचे है, याद रखना नीचे है, इसलिए इनका हम निकालेंगे एलसीएम। पहले ऊपर वालों का एचसीएफ निकालो और फिर नीचे वालों का एलसीएम निकालो। इनका एलसीएम क्या आएगा, अब 5 ले लो। एलसीएम क्या होता है, जिसको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। एलसीएम क्या होता है कि 5, 15, 25 तीनों के टेबल में एक ऐसा कम से छोटा नंबर चाहिए, ऐसा छोटा नंबर चाहिए जो तीनों के टेबल में आ रहा है, सेम नंबर। जैसे अभी 5 के टेबल में आप देखोगे 5, 10, ठीक है, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद 30 हो गया, 35 हो गया, इस तरह से आगे जाएगा। हम लोग सबसे पहले बड़े से शुरुआत करते हैं, 25, 50, 75, ये सब 25 के टेबल में आ रहे हैं, 100। अगर आप 15 की बात करेंगे तो 15, 30, 45, 60 और 75, 90। और आप 5 के टेबल में जाओगे तो 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75। तो आप देखो 75 तीनों में आ रहा है, सबसे छोटा नंबर, सबसे जो वो छोटा वो नंबर जो तीनों में मौजूद है, तीनों में प्रेजेंट है, वो आपका आएगा एलसीएम। इससे नीचे कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों में मौजूद है, तीनों में प्रेजेंट है। तो 75 एक ऐसा नंबर है, क्योंकि आप देखो 25 15 में नहीं आएगा, 5 में आएगा लेकिन 15 में नहीं आएगा, 5 में आएगा लेकिन 15 में नहीं आएगा। तो 75 जो है वो तीनों में आ रहा है, मतलब इन नीचे वालों का डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या है, 75 है, और न्यूमरेटर का एचसीएफ क्या है, 2 है। तो इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर, ऊपर वाले का एचसीएफ लिखो 2 और नीचे वाले का एलसीएम लिखो 75, ये आपका आंसर आएगा। तो 2/75 का है, डी पर, तो ये हमारा आपका ऑप्शन है, डी हमारा ऑप्शन करेक्ट है।